अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद सत्ता में आए तालिबान को अहमद मसूद की सेना ने बड़ा झटका दिया है। पहली बार अहमद मसूद के नेतृत्व वाले गुट रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाकों ने अफगानिस्तान के एक जिले पर कब्जा कर लिया है। यहां इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ है कि सैकड़ों तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया गया है और एक दर्जन से अधिक आतंकियों को कैद कर लिया गया है। इतना ही नहीं, तालिबान के जिला गवर्नर मावाली अकरम को भी एनआरएफ ने पकड़ने का दावा किया है। रेजिस्टेंस फ्रंट के योद्धाओं ने तालिबान से जिस जिले को छीना है उसका नाम सकाए है और यह देश के बदखसान प्रांत का हिस्सा है जो तजाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि इस जिले को हासिल करने में तजाकिस्तान की सेना ने एनआरएफ की मदद की है, जिसके बाद सकाई जिला तालिबान के नियंत्रण से मुक्त हो गया है और उस पर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का कब्जा हो चुका है। एनआरएफ ने दावा किया है कि उसने एक दर्जन के लगभग मुसलमान आतंकियों को पकड़ा है और सैकड़ों को हुरों की खोज में भेज दिया है। मसूद समर्थक लड़ाकों ने सकाई जिले पर ठीक उस समय कब्जा किया है जब तालिबान का रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब बदखसान प्रांत के बखान इलाके के दौरे पर था। एनआरएफ के लड़ाकों को इसकी पूरी खबर थी। वे बखान तक पहुंचकर मुल्ला याकूब को निपटाना चाहते थे, लेकिन बाद में इस रणनीति को बदल दिया गया और सकाई जिले पर कब्जे की मजबूती पर जोर दिया गया, जिसके चलते मुल्ला याकूब तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। इसका एक कारण यह भी रहा है कि सकाई से आगे बढ़ने पर उन्हें तालिबान के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता था। एनआरएफ ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने इस दावे की पुष्टि की है। इस वीडियो में तालिबान के सकाई जिले के गवर्नर और 10 अन्य तालिबानी एनआरएफ की हिरासत में नजर आ रहे हैं। दरअसल एनआरएफ ने जिस इलाके पर नियंत्रण हासिल किया है वह बदखसान प्रांत का अहम हिस्सा है। बदखसान प्रांत रणनीतिक रूप से एनआरएफ के सप्लाई मार्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रांत के जरिए एनआरएफ के सदस्य पंजशीर और काबुल के उपनगरीय इलाके तक जाते हैं। तालिबान इस प्रांत पर कब्जा बरकरार नहीं रख पा रहा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ की जनता तालिबान का विरोध करती है। ऐसा भी माना जाता है कि लगातार लड़ाई तालिबान के कमजोर शासन के लिए बहुत ही घातक और खर्चीली साबित हो रही है। एनआरएफ फिर से अफगानिस्तान में मजबूत हो रहा है। कहा जाता है कि तजाकिस्तान उसे भरपूर समर्थन दे रहा है और उसे लगातार मजबूत करने पर लगा हुआ है। एनआरएफ के लड़ाकों को तजाकिस्तान से सिर्फ हथियार और पैसा ही नहीं मिल रहा है, बल्कि सैन्य मदद मिलने की बात भी कही जाती है, जिसके बाद एनआरएफ बहुत ताकतवर होकर उभरा है और अब तालिबान को कड़ी टक्कर देने पर आमादा है। पिछले सप्ताह भी सकाई जिले में भयंकर संघर्ष हुआ था, जिसमें तालिबान का ब्रिगेड कमांडर मावली अब्दुल रहमान घायल हो गया था। वह अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है, लेकिन अब एनआरएफ ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि सकाई जिले का तालिबानी गवर्नर उनके कब्जे में है। इस नियंत्रण के बाद यह साफ हो गया है कि तालिबान को बदखसान प्रांत पर कब्जा बरकरार रखने में बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। संभव है कि आने वाले दिनों में तालिबान इस पूरे प्रांत को एनआरएफ के हाथों गंवा दे। यही नहीं, तालिबान को अभी भी कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में एनआरएफ का प्रभाव बढ़ता है तो तालिबान के सामने कठिन चुनौती खड़ी हो जाएगी। खासकर अहमद मसूद उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के लिए इस वक्त वही सबसे बड़ी चुनौती है। खास बात यह कि उसे कई देश पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।